हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? आज मैम तुम्हारी क्लास लेंगे, ठीक है? तो आज मैम होस्ट होंगी, ठीक है? तो मैं मैम को अभी होस्ट बना रहा हूँ। एवरीबॉडी कैन हियर मी। अभी यस मैम। शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा ये जरा मीटिंग कंट्रोल्स कर लूँ। ठीक, हेलो अभी 17 पार्टिसिपेंट्स हैं। थोड़ा 5 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। थोड़े से आ जाएं, 30-40 के आसपास। ठीक है, तुषार, यू आर रिकॉर्डिंग? आई थिंक आई हैव ओके तो पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं और फिर शुरू करते हैं। तब तक बाकी लोग आ जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो एवरीबॉडी कैन हियर मी नाउ आई थिंक। सो तो लास्ट टाइम वी डिड द अजम्पशंस ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इन लिमिट स्टेट मेथड, राइट? तो अजम्पशंस में सबसे पहले आप लोगों ने किया कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, जिससे कि ये आपके पास स्ट्रेन डायग्राम आ गया जो कि लीनियर था। उसके बाद हमने कहा कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर इज 0.0035 हो गया। अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील एट फेलियर इट शुड नॉट बी लेस देन 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। ये भी अजम्पशन था, इससे आपके पास में स्ट्रेन डायग्राम आ गया। उसके बाद आपने किया कि स्ट्रेस डायग्राम जो है, जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्टील, दिस अजम्पशन इज रीजनेबली गुड, मगर कंक्रीट के लिए अजम्पशन उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर वी आर मोर नियर टू द एक्चुअल कर्व ऑफ कंक्रीट, जिसमें कि हम लीनियर नहीं मानते रिलेशन को, हम कहते हैं
इट इज पैराबोलिक राइट. तो पैराबोलिक कब तक मानते हैं हम? 0.002 स्ट्रेन तक, और उसके बाद वो जो है रिलेशन लीनियर है. और जो स्ट्रेस आती है वो 0.446 एफसी की आती है. जैसे कि बताया था कि स्ट्रक्चर में 0.67 एफसी की है, उस पे 1.5 का फैक्टर लगाते हैं हम, तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट आ रही है एट फेलियर, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.446 एफसी के. तो ये सब बच्चों को समझ आ गया था? जस्ट अ मिनट. तुषार, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. yes, कुछ बताना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके मैम. ओके. एंड यू कैन सी द चैट, अगर किसी का डाउट हो तो चैट पे क्लियर कर देना, जैसे मैं करती रहती हूँ. अदरवाइज आई विल टेक इट अप. सो नाउ आई एम गोइंग अहेड. ओके. Where is my pen? हाँ जी, तो आज का शुरू करते हैं हम लेक्चर. तो मैं फिर से वो डायग्राम बनाऊंगी. मैं थोड़ा चौक डस्टर से ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ पढ़ाने में. पेन थोड़ा पड़ा है. So this is your say RCC singly reinforced beam, rectangular beam. ये आपका न्यूट्रल एक्सेस हो गया. सेक्शन की विड्थ हम मान रहे हैं कि बी है. सेक्शन की डेप्थ है जो इफेक्टिव डेप्थ, वो हम मान रहे हैं डी है. यहाँ पर आपका एरिया ऑफ स्टील AST है, ठीक है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ लिमिट स्टेट मेथड के केस में एक्स यू. यहाँ पर सब जगह यू सिंबल चलेगा क्योंकि अल्टीमेट लोड मेथड के बाद आया था ये मेथड, तो वही सिंबल्स प्रैक्टिस में रहे. तो ये जो डिस्टेंस हो गया स्टील का न्यूट्रल एक्सिस से, वो हो गया डी माइनस एक्स यू, ठीक है? अब आगे चलते हैं. तो पहला हमने स्ट्रेन डायग्राम बनाया अजम्पशंस लेकर. स्ट्रेन डायग्राम जो है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, यानी कि आपका स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है. तो मैं उसको दोबारा बना रही हूं, आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे, साथ में ये हमें चाहिए भी. 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया, और यहां पर स्ट्रेन शुड नॉट बी लेस देन 0.87 fy upon es plus 0.002, right? इसके बाद आपने बनाया स्ट्रेस डायग्राम. स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स आपके कोड में भी लिस्टेड हैं. तो कैसा डायग्राम है वो? वो नीचे से है पैराबोलिक और ऊपर से है स्ट्रेट, ठीक है? ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ये 0.002 स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग है. 0.002 स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग है. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0.446 एफसी लिख दीजिए या 0.45 एफसी के लिख दीजिए, राइट? तो 0.45 एफसी के ले लेते हैं. और इसका जो एरिया था इस स्ट्रेस ब्लॉक का, वो था 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, सॉरी एक्स यू.
बी नहीं था उसमें, बी तो हम ओवर द वेट लेंगे एफसी के एक्स यू, और जब हम इसको पोर्स में कन्वर्ट करेंगे तब ये हो जाएगा बी। तो ये कहां पर लगेगा, ये लगेगा आपका 0.42 xu। ये आप सिर्फ याद कर लीजिए, ये वैसे डिराइव भी कर सकते हैं हम ये एरिया, मगर वो कभी आता नहीं है, डेरिवेशन इज नॉट इन द सिलेबस, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसिव, टोटल कंप्रेसिव फोर्स जिसको हम कहते हैं सी यू। सो सी यू इज 0.36 fg बी इंटू एक्स यू, राइट। और टेंशन, टोटल टेंशन कितनी होगी, टेंसाइल फोर्स होगी हमारी, स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है स्टील में 0.87 fy। ये हो गया स्ट्रेस मल्टीप्लाई विथ एरिया ए एस टी, तो ये आपकी हो गई फोर्स, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड विद एरिया विल गिव यू टोटल टेंसाइल फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स कितनी है 0.36 fg x2 b। ये क्योंकि 0.42 xu के डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों फोर्सेस के बीच में, ये आपका हो जाएगा डी माइनस 0.42 xu। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। आपने वर्किंग स्ट्रेस में भी सेम सिंबल इस्तेमाल किया था ए, यहां भी हम सेम सिंबल इस्तेमाल करते हैं लीवर आर्म के लिए डी माइनस 0.42 xu, राइट। तो ये हमारा अब स्ट्रेस डायग्राम है लिमिट स्टेट मेथड में। तो अब इन्हीं डायग्राम्स को इस्तेमाल करके हम न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, और फिर लिमिटिंग मोमेंट, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालेंगे और बताएंगे कि सेक्शन अंडर रीइंफोर्स है या ओवर रीइंफोर्स है। मैं डाउट्स आपके बाद में ले लूंगी, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं एक स्टेप आगे जाकर, उसके बाद में आपके डाउट्स लूंगी, वरना बीच में फिर कंटिन्यूटी टूटती है, ठीक है। तो आप लिखते रहिए चैट पे, आई विल सी इट लेटर, और तुषार कैन ऑन चैट इफ पॉसिबल ही कैन डू दिस, राइट। यस मैम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं पहले कहूं कि हम निकाल रहे हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, राइट, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, या हम कहेंगे एक्स यू। तो न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम स्ट्रेस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में है तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। इसका क्या मतलब होगा, कंप्रेसिव फोर्स कितना है, एवरीबॉडी इज रेजिंग हैंड्स, ओके। तो व्हाई डोंट यू राइट ऑन द चैट, या यू राइट ऑन द चैट, ओके। यस यस मैम, उनको बोलता हूँ। हाँ तुषार, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, वो कुछ डाउट्स थे तो उनके मैं क्लियर कर रहा हूँ मैम। ओके 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 ओके। हाँ, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। सो जीरो पॉइंट कंप्रेसिव फोर्स कितना है, 0.36 fck b xu, ठीक है, ये रहा। टोटल टेंसाइल फोर्स कितना है, 0.87 fy ast, ओके। अब यहां पर क्योंकि सेक्शन हमें गिवन है, हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन गिवन का क्या मतलब है, मेरे पास डायमेंशन है सेक्शन की, मेरे पास एरिया ऑफ स्टील है सेक्शन का, मेरे पास ग्रेड्स गिवन है कि कॉन्क्रीट और स्टील का ग्रेड क्या है, तो एवरीथिंग इज गिवन एक्सेप्ट एक्स यू। तो हम एक्स यू लिख सकते हैं यहां पर 0.87 fy ast अपॉन 0.36 fck into, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, ये आ गया मेरे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आप यहां पर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्या है फॉर्मूला, एक्स यू इक्वल टू 0.87 fy ast अपॉन 0.36 fck into b।
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, ठीक है। लेट मी सी व्हाट, ओके चलो इट्स ओके, तुषार इज टेकिंग द डाउट। तो x इज इक्वल टू 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FCK इनटू b। तो हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ गया। अब आगे चलते हैं, ओके। अब हम जो दूसरा निकालेंगे वो हम करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो मैं एक नई स्लाइड डालती हूँ, नई स्लाइड ले लेते हैं। तो सेकंड हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर हम लिखते हैं एम यू। तो एम यू के लिए फिर से स्ट्रेस ब्लॉक में बना देती हूं यहां पर, ये स्ट्रेस ब्लॉक है, ये आपका सी यू है 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, और ये आपका टेंसाइल फोर्स है 0.87 एफ वाई ई एस टी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहां पर, क्योंकि ये एक रेजिस्टिंग कपल बन रहा है, कपल कैसे है, ऐसे कपल बन रहा है ये, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस फॉर्म ए कपल, राइट। ये आपने पढ़ा है, ये रेजिस्टिंग मोमेंट है, तो रेजिस्टिंग मोमेंट है इसलिए हम इसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टिंग मोमेंट जो कि कपल है, तो कपल क्या होता है, पी इंटू ए, पी यानी फोर्स इंटू लीवर आर्म। क्या हो सकता है ये सी यू इंटू ए भी हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं टी यू इंटू ए, दोनों लिख सकते हैं। तो दोनों लिख देते हैं हम यहाँ पर, 0.36 सी यू है ये एफ सी के बी एक्स यू, और लीवर आर्म कितना है, लीवर आर्म क्योंकि इसकी पोजीशन टॉप फाइबर से 0.42 एक्स यू है, तो लीवर आर्म हमारा हो गया डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। और आई कैन राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम टेंसाइल फोर्स की तरफ से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.87 एफ वाई ए एस टी ब्रैकेट डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक कंक्रीट की तरफ से और एक स्टील की तरफ से, दोनों से ही हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी दो फॉर्मूले थे, एक कंक्रीट की तरफ से और एक स्टील की तरफ से थे, तो दोनों से ही हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर भी मिलेगा, और वो हम बाद में देखेंगे कि कौन सा कब लगाना है, क्योंकि फिर वही आएगा कि बैलेंस सेक्शन है या फिर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है या ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है। तो फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी इस चीज पर डिपेंड करती है कि कैसा सेक्शन है। तो वहां वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप क्या करते थे कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के साथ में कंपेयर करते थे, राइट, फिर बताते थे कि सेक्शन कैसा है। यहां पर जो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, राइट। एक अरे मैं एक स्लाइड और लगा देती हूँ। यहां पर जो क्रिटिकल था यहां पर हम बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वो इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि जो स्ट्रेन डायग्राम हमें देता है, अजम्पशंस जो हमें स्ट्रेन डायग्राम देते हैं उसमें वो इसको स्ट्रेन को कहता है 0.0035 और इस स्ट्रेन को वो कहता है 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002। तो अगर ये दोनों स्ट्रेन फिक्स कर देता है वो, तो जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है उसकी डेप्थ भी वो लिमिट कर देता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती डेप्थ। तो
तो ये वाला जो हमारा assumption है, it limits the depth of neutral axis. That's why we say this neutral axis as XU limiting. इससे ज्यादा किसी भी section में हम neutral axis की depth नहीं ले सकते हैं. तो XU limiting is corresponding to that section in which the strain in concrete is 0.0035 and strain in steel is 0.87 Fy upon ES plus 0.002. वो section जिसमें concrete भी fail कर जाएगा और steel भी fail कर जाएगा, तो उस section को हम क्या कहते हैं? उस section को हम कहते हैं balance section. फेल क्यों कर रहा है? क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में भी पहुंच गया और मैक्सिमम जो स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेन स्टील में जितना होना चाहिए उतना इसमें भी आ गया. तो अब दोनों ही हमारे मटेरियल फेल कर गए. तो वो सेक्शन जिसमें दोनों मटेरियल साइमल्टेनियसली एक ही समय पे फेल करते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस सेक्शन. तो उस सेक्शन की डेप्थ को हम यहाँ पर कहते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XU limiting. तो actual limiting हम simple similar triangle से निकाल सकते हैं, right? और ये distance कितना है मालूम है? This is d minus XU limiting, okay? तो similar triangle से कैसे निकाल सकते हैं हम? Simple है 0.0035 upon XU limiting is equal to 0.87 Fy upon ES plus 0.002 over D minus XU limiting. So simple formula, similar triangles ka this upon this and this upon this will give you depth of limiting depth of neutral axis ya fir aap kehte hain XU limiting. To isko jab hum rearrange karte hain cross multiply karke aap isko simplify karenge तो आपके पास क्या आएगा फाइनली 0.0035 ओवर 0.0055 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES. तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है. अब इस फॉर्मूले में तुम्हें देखो जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर आपको याद हो NC की क्या वैल्यू थी, NC था 280/3 अपॉन 280/3 प्लस सिग्मा ST. तो यहां पर भी NC सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है और यहां पर भी जो XU है ES तो हम कांस्टेंट लेते हैं. ES की वैल्यू क्या होती है? ES इज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2×10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील ओनली, नॉट ऑन कॉन्क्रीट, ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपको कैसे आया ये समझ आ गया होगा. एंड दिस इज ऑल्सो क्लियर दैट इट डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, ओके ओके. तो सारे बच्चे अब अपना कैलकुलेटर निकाल लो बेटा, ठीक है. अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करिए जरा. और हम अब क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे XU लिमिटिंग की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ Fy. आप चैट पर लिखेंगे कितनी वैल्यू आती है, ठीक है. तो पहला ग्रेड मैं ले रही हूं 250 Fe. इस ग्रेड के लिए मुझे बताइए XU लिमिटिंग की क्या वैल्यू आ रही है, ओके. चलो फटाफट बताओ जल्दी से सब. वेरी गुड वेरी गुड. और 0.518 नहीं बेटा, दोबारा करो. आपने क्या लिया है वैल्यू?
250 के लिए देखो 0.87 into 250 upon 2 into 10 to the power 5, बस यही डालना है, तो जिन्होंने ये आएगा 0.53, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम कौन सा, वैसे हम 250 तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, 415 करते हैं इस्तेमाल, तो 415 के लिए भी निकाल लीजिए 500 और 550। तो अगर मैं इनकी सबकी वैल्यूज निकालूं, आप लोग भी निकालिए, आपके पास कैलकुलेटर है सबके पास में, सब लोग वैल्यूज निकालो। 0.48, गुड गुड, यस, 415 इज 0.48, 500 इज 0.46 and 550 is 0.4, I think it's 3. तो हमारे पास ये टेबल आ गई। तो हर बार हम कैलकुलेट करने की बजाय क्या करते हैं, ये टेबल जो है कोड में भी गिवन है, मैं दिखा दूंगी कहां पर गिवन है, सो यू नीड नॉट कैलकुलेट इट एवरी टाइम। जनरली हम 415 इस्तेमाल करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 0.48, ठीक है। तो सबको एक्सयू लिमिटिंग निकालना आ गया मान लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं। तो एक्सयू लिमिटिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्सयू लिमिटिंग आपने निकाला, और जो यहां पर हमने क्या किया था, एक्सयू निकाला था 0.87 FYESTE अपन 0.36 FCK बी, राइट। तो आपने एक्सयू लिमिटिंग निकाल लिया और एक्सयू निकाल लिया, अब क्या होगा, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो दोनों बराबर हैं, या फिर एक्सयू लिमिटिंग एक्सयू से बड़ा है, या फिर एक्सयू लिमिटिंग एक्सयू से छोटा है, तीन ही चीजें हो सकती हैं इसमें, ओके। तो अगर बराबर होता है तो सब मालूम है, आई नो दैट ऑल ऑफ यू ऑल्सो नो दिस थिंग, कि अगर दोनों बराबर हैं तो वो कैसा सेक्शन होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। अगर एक्सयू लिमिटिंग एक्सयू से बड़ा होगा तो कैसा सेक्शन होगा, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होगा, और अगर एक्सयू लिमिटिंग एक्सयू से छोटा होगा तो कैसा सेक्शन होगा, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होगा। इसको अभी हम देखेंगे कैसे है। अगर वो बैलेंस सेक्शन है तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे आप इससे निकाल सकते हैं, राइट, डी माइनस 0.42 एक्सयू इससे निकाल सकते हैं, या फिर आप स्टील की तरफ से निकाल सकते हैं 0.87 FYESTE डी माइनस 0.42 एक्सयू, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और अगर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होगा तो हमें मालूम है कि क्या होगा, स्ट्रेन इन स्टील विल रीच इट्स वैल्यू बिफोर कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट में उस समय, अगर मैं अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की बात करती हूं तो स्टील में तो इतनी स्ट्रेन आ जाएगी, मगर कंक्रीट में उस समय 0.0035 से कम होगी। तो अगर कम होगी तो इसका मतलब ये कि स्टील फेल कर जाएगा और कंक्रीट अभी फेल नहीं करेगा, तो हमारा कैसा सेक्शन हो जाएगा, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा। अंडर रीइंफोर्स का मतलब है कि डक्टाइल फेलियर होगा। अभी मैं इसको एक नई शीट पर आपको फिर से स्ट्रेन डायग्राम बनाकर थोड़ा सा दोबारा से इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है, ठीक है, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये आपका है 0.0035 और ये है आपका 0.87 FYES प्लस 0.002, ओके। इसके बाद मैं डाउट्स लूंगी, ये एक बार समझ लीजिए, इसके बाद सारे डाउट्स लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन, बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें कि दोनों में स्ट्रेन
पॉइंट मैक्सिमम हो गया, 0.0035 इसमें हो गया, 0.87 इसमें में हो गया, और इस डेप्थ को हमने बोला है एक्स यू लिमिटिंग। तो अगर एक्स यू लिमिटिंग और एक्स यू बराबर हैं तब तो आपका हो गया बैलेंस सेक्शन। मगर अगर एक्स यू लिमिटिंग और एक्स यू बराबर नहीं है, सपोज करिए राइट, तो हम कौन सा केस ले रहे हैं? हम ले रहे हैं व्हेन एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग। ओके, यानी कि एक्स यू यहां कहीं पर है, यहां कहीं पर आपका एक्स यू है। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर मैं सोचूं कि कंक्रीट फेल कर रहा है इस केस में, तो मैं अगर इस ग्राफ को लीनियर है क्योंकि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग है, इस तरह से जोड़ूंगी तो क्या होगा? ये तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास में। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं दूसरा सिनेरियो देखती हूँ, मैं इसको यहां से जोड़ती हूँ। When XU is less than XU limiting, तो हम अगर इसको यहां से जोड़ते हैं तो ये देखो, ये वाला हटा देते हैं, रेड वाला जस्ट हटे तो सारे ही हट गए। I will make it again. I think time is also going to finish. तो हम एक नई मीटिंग भी कंटिन्यू करेंगे इसके साथ ही। सब लोग जल्दी से रजिस्टर कर लेना, ठीक है? तो ये न्यूट्रल एक्सिस है अब नया। तो अगर मैं यहां से इसको कनेक्ट करती हूं तो ये ऐसे करके जाती है लाइन, ऐसे करके जाती है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज नॉट अ 0.0035 बट समवट लेस देन दिस। इसका मतलब है कि कॉन्क्रीट तो फेल नहीं कर रहा, कॉन्क्रीट इज नॉट फेलिंग, तो ओनली स्टील विल फेल। और स्टील बीइंग कॉस्टलियर देन कॉन्क्रीट, स्टील की कॉस्ट कॉन्क्रीट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, तो हर कोई ये चाहेगा कि मैं अपना स्टील तो पूरा ऑप्टिमल यूज करूं, अच्छी तरह से इस्तेमाल करें क्योंकि ये महंगा है। मगर कॉन्क्रीट बीइंग चीप अगर नहीं भी फेल करता तो कोई बात नहीं। और सेकेंड थिंग इज स्टील स्टील जब फेल करेगा तो डक्टाइल फेलियर होगा, डक्टाइल फेलियर होगा तो हमें वार्निंग मिलेगी, वार्निंग मिलेगी तो आप कोलैप्स से बच सकते हैं, कैजुअलिटी नहीं होगा। दूसरा फायदा इस सेक्शन में क्या है कि ये आप ये एक्सयू ऊपर कब गया? एक्सयू ऊपर तब जाता है जब हम स्टील जो प्रोवाइड करते हैं इस सेक्शन में वो बैलेंस सेक्शन से कम होता है, राइट? बैलेंस सेक्शन से स्टील की वैल्यू कम होती है, लेस होती है। अगर स्टील की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये सेक्शन जो है इकोनॉमिकल है। एक तो स्टील की क्वांटिटी कम है, दूसरा स्टील फेल कर रहा है तो डक्टाइल वार्निंग दे रहा है हमें, तो इसका मतलब ये ही सेक्शन जो है सभी तरह से अप्रोप्रिएट है। तो इस सेक्शन को हम कहते हैं डिजाइनर्स चॉइस, डिजाइनर्स चॉइस। तो जब भी आप डिजाइन करेंगे तो आप अंडर रीइंफोर्स सेक्शन करेंगे, राइट? तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में जैसे कि समझ आ रहा है कि कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 से कम है, मगर स्टील में स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेन है 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002, यानी कि ये फेल कर रहा है, तो इस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा वो स्टील की साइड से निकलेगा, राइट? तो स्टील की साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है। तो जब भी आप अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, राइट? तो ये है हमारा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन व्हेन XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, राइट? अब अगर मैं ओवर रीइंफोर्स सेक्शन की बात करूं तो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या था? XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग। ये आपका ग्राफ है स्ट्रेन का, ओके? ये है 0.0035 और ये है 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। ये आपका XU लिमिटिंग है। XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग यानी इसके नीचे जाएगा। ये है XU लिमिटिंग
और ये है आपका एक्सियल. ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब स्टील प्रोवाइडेड इज मोर देन बैलेंस सेक्शन. देखिए जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, सीधी सी बात है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? इट इज सपोज टू डिवाइड इट इंटू टू इक्वल एरियाज, राइट? तो इक्वल मोमेंट ऑफ द एरिया, तो मोमेंट ऑफ द एरिया, ये कंप्रेशन साइड है, ये टेंशन साइड है, तो ये क्या होता है? एरिया इंटू सम डिस्टेंस. तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, डिस्टेंस कम होगा तो एरिया बढ़ेगा. तो यहां पर न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कम हुआ है स्टील का, तो ऑब्वियसली जो स्टील का एरिया हमने प्रोवाइड किया है वो बैलेंस सेक्शन से ज्यादा होगा. अगर ज्यादा है तो सेक्शन ऑब्वियसली अनइकोनॉमिकल होगा सेक्शन, क्योंकि एएसटी प्रोवाइडेड इज मोर, राइट? दूसरा, अब इस केस में जब हम इस 0.0035 मैक्सिमम मानकर इस यहां से जोड़ते हैं तो स्टील में स्ट्रेन कम आएगी. देखिए ऐसे करके आपने जोड़ा तो स्टील की जो स्ट्रेन है वो इस वैल्यू से कहीं कम है. कम है का मतलब है कि यू आर नॉट यूजिंग योर स्टील ऑप्टिमली, इफेक्टिवली आप यूज नहीं कर रहे हैं स्टील को, आपका स्टील वेस्ट जा रहा है. वेस्ट जा रहा है तो सेक्शन अनइकोनॉमिकल है. तो योर कॉन्क्रीट इज फेलिंग फर्स्ट, तो जब कॉन्क्रीट फेल करता है तो क्या होता है? सडन फेलियर होता है. सडन फेलियर होता है जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते. तो आईएस कोड कहता है, WSM में तो वो अलाउ कर देता है कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसका XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग करके निकाल लीजिए, मगर IS 456 साफ साफ कहता है लिमिट स्टेट मेथड में कि किसी भी हालत में XU को हम XU लिमिटिंग से ज्यादा नहीं ले सकते मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए. तो अगर आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है तब भी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए XU को XU लिमिटिंग के बराबर मानेंगे, राइट? और कहां से निकालेंगे? हम कॉन्क्रीट से निकालेंगे, मगर फॉर्मूला आपका जो होगा वो ये होगा, बी XU लिमिटिंग डी माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है? तो ये हमें यहां पर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है IS कोड ने कि MU जो है MU लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकता सिंगली रीइंफोर्स बीम के केस में. दिस इज डन बाय IS 456, राइट? कि हम जो सेक्शन है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन ही नहीं करते हैं. अगर ऐसा कभी केस हो रहा हो तो हम सेक्शन को रिवाइज करेंगे, मगर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हम डिजाइन नहीं करेंगे. तो अभी एक मिनट रहता है, ठीक है? अभी ये जो मैंने सब लिखा था, दिस इज ऑल अवेलेबल इन योर पीपीटी ऑल्सो. तुषार हैज मेड पीपीटी, तो नेक्स्ट सेशन में हम वो पीपीटी दिखाते हैं और पीपीटी पर फिर से ये चीजें आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं. क्यों तुषार, ठीक है? यस मैम, ठीक है. हेलो तुषार. यस मैम, ठीक है ना? नया सेशन कर देते हैं, ठीक है मैम? नया सेशन बनाता हूँ मैम, बनाकर लिंक शेयर करता हूँ. नया सेशन, या नया सेशन बना लीजिए. ओके ओके, वील मीट सून. आई विल एंड इट, एंड कर देती हूँ. चलो भाई, सेशन टू स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है? जितने भी लोग अभी तक आए हैं प्लीज एक बार बता देना अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे हम लास्ट वाले टॉपिक से. ओके, अभी 15 बच्चे आए हैं, मैं ही पढ़ाएंगी, ठीक है? ओके, कैन आई स्टार्ट नाउ तुषार?
ओके तो अब मैं वो पीपीटी शेयर करती हूँ इनके साथ में. ओके पीपीटी से समझाते हैं थोड़ा. सो एवरीबॉडी कैन हियर मी नाउ? यस मैम, वॉइस इज क्लियर मैम. ओके ओके तो वी स्टार्ट. दरअसल ये तो पुराना वाला है. न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ या स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स तो ये तो हो गया था हमने. हाँ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ करते हैं. न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ से शुरू किया था. ये हो गया था तुषार लास्ट टाइम? हाँ यस मैम ये हो गया था मैम. अच्छा ये हो गया था. ये वाला है ना क्लास 8 राइट. तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हमने निकाल लिया था. अब हम जो अभी हमने सब फॉर्मूले लिख के डिराइव किए हैं वो अब मैं सब आपको पीपीटी में दिखाऊंगी और साथ में ही कोड में भी बताएंगे कि ये चीजें कहाँ पे मिलेंगी आपको राइट. तो ये है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखिए एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिटिंग दोनों चीजें कहते हैं हम इसको. स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का वही वाला ये रहा डायग्राम आपका. मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज 0.0035. As per code, strain in steel at failure should not be less than 0.87 Fy plus 0.002. Okay? और इसमें आपने rearrange किया. Rearrange करने के बाद next page पे चलते हैं. क्या formula मिला? यही वाला formula. तो हमने अभी slide में पहले ये formula derive किया है. Hu max upon D is 0.0035 upon 0.87 Fy upon ES plus 0.0055. तो ये वैल्यूज आपने निकाली भी थी Fe 250, Fe 415, Fe 500 की. तो मैं आपको कोड दिखाती हूँ कि कोड में ये कहाँ पर मिलेगी. कोड कहाँ है? कोड दिखाई दे रहा है आपको बेटा? नो मैम कोड तो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें. आपके assumptions, limit state of collapse, flexure. इन्हीं assumptions के भी ये सब हमने last class में किया था. stress block parameters. इससे आगे चलते हैं पेज नंबर 69. सब लोग कोड खोल लीजिए बेटा जिसे आप मार्क कर सके उसमें पेंसिल से. ओके पेज नंबर 70. पेज नंबर 70 पर आइए सब लोग. और पेज नंबर 70 पे देखो ये एक नोट है छोटा छोटा लिखा हुआ है ना. द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन द अजम्पशन आर एस फॉलोस. Fy 250 के लिए आपने अभी निकाला 0.53. Fy 415 के लिए 0.48. 500 के लिए 0.46. तो ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है. ये सब हमें कोड में लिखा हुआ है. नीचे लिखा है द एक्सप्रेशन फॉर ऑब्टेनिंग द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेक्टेंगुलर एंटी सेक्शन बेस्ड ऑन द अजम्पशंस आर गिवन इन एनेक्सर जी. तो हम अभी एनेक्सर जी देखेंगे अभी नहीं देखेंगे ठीक है. थोड़ी देर में देखेंगे पहले पीपीटी देखते हैं पीपीटी में और क्या है. हाँ जी तो ये है ग्रेड ऑफ स्टील के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां पर ई की वैल्यू आपने ली है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बेस पर आपने एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यूज निकाली है राइट. ये वैल्यूज यही रहेंगी ये चेंज नहीं होंगी क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे. ओके आगे चलते हैं. अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये जी एनएक्सर जी बाद में देखेंगे पहले यहां पर कौन सी इक्वेशंस हैं वो देखते हैं.
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज एस अंडर. ये सेक्शन है, ये आपका स्ट्रेस ब्लॉक है. सी की वैल्यू 0.366 एफसीके बी एक्सयू. ए ए इज व्हाट लीवर आर्म. डी माइनस 0.42 एक्सयू. टेंसाइल फोर्स 0.87 एफवाई इनटू एएसटी. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द कपल फॉर्म्ड बाय टू अपोजिट फोर्सेस दैट इज टोटल कंप्रेशन एंड टोटल टेंशन. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू. एमयू इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म. तो सी की वैल्यू 0.36 एफसीके बी एक्सयू इनटू लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्सयू. अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इसको डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. तो जब आपने डी पहले कॉमन ले लो और एक और डी डालेंगे इसमें. तो जब आप एक डी कॉमन लेंगे तो बी इंटू डी हो जाएगा यहां पर. और क्योंकि एक्सयू या एक्सयू मैक्स हम डी की टर्म्स में बताते हैं तो हम क्या कर देंगे इसको, एक्सयू बाय डी. जब आप डी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 0.42 एक्सयू बाय डी. और इसको भी मैं क्योंकि एक्सयू बाय डी करना चाहती हूँ तो मुझे एक और डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसमें आपने ये रीअरेंज किया, इसको डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने. तो क्या आया आपके पास में, 0.36 एफसीके इनटू एक्सयू बाय डी 1 माइनस 0.42 एक्सयू बाय डी इनटू बीडी स्क्वायर. ठीक है, दिस इज जस्ट रीअरेंजिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल. सिर्फ आपने रीअरेंज किया है सिंप्लीफाई करने के लिए इसको. आगे चलते हैं. अब इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पर टेंशन की साइड से निकाला है 0.87 एफ वाई एएसटी ब्रैकेट डी माइनस 0.42 एक्सयू. 0.87 एफ वाई एएसटी इनटू डी ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 एक्सयू बाय डी. डी कॉमन ले लिया यहाँ पर. ओके, मैं इसको हटा देती हूँ. हाँ जी, डी माइनस वन ये आ गया. अब एक्स यू बाय डी न्यूट्रल एक्सिस की जो हमने C इज इक्वल टू टी करके वैल्यू निकाली थी, न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वो ये फॉर्मूला था. इसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे. तो जब हम इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे और उसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास में फाइनली ये आ जाता है 0.87 एफ वाई एस टी इंटू डी 1 माइनस AST into FY B into D FCK. आप चाहो तो अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो. देखिए 0.42 into 0.87 upon 0.36. करिए जरा, देखिए ये कितना आता है, ये 1 आ जाता है. तो ये 1 आ जाता है इसीलिए यहाँ पर ये फैक्टर कोई कांस्टेंट नहीं है साथ में, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, राइट. तो ये हमारे पास एक्सयू बाई डी की जब हमने यहां से वैल्यू रखी है तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आ जाता है, एमयू इज इक्वल टू 0.8. अब ये फॉर्मूला बहुत लंबे लंबे हैं तो आपको डर लग रहा होगा कि ये याद कैसे होंगे. ये कोई भी फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे क्योंकि दीज आर ऑल गिवन इन योर IS 456 पेज 96. ठीक है, वो भी देखेंगे अभी हम. अगली स्लाइड देखते हैं. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू लिमिटिंग. ये अभी नहीं, ये वही है, बैलेंस सेक्शन है. तो आई थिंक आई कैन टेक अप दिस ऑल्सो. तो लिमिट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लिमिटेड टू एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिटिंग विच इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट विच स्टील एंड कॉन्क्रीट अटेन देयर मैक्सिमम स्ट्रेन एंड स्ट्रेस वैल्यू परमिसिबल बाय LSM साइमल्टेनियसली, राइट. This value of XU max gives the limiting value of moment of resistance for a singly reinforced beam. XU limiting या XU max हमें वो moment of resistance देता है जिससे ज्यादा हम singly reinforced beam का moment of resistance नहीं ले सकते. और इसको हम कैसे निकालेंगे, ये जो आपका formula था ऊपर
ये वाला, राइट ये वाला जो फॉर्मूला था एम यू इक्वल टू 0.36 एफ सी के एक्स यू बाई डी, ये था ना फॉर्मूला। तो इसमें हम एक्स यू बाई डी की जगह एक्स यू मैक्स बाई डी पुटअप करें। तो इस फॉर्मूले में जब आप एक्स यू मैक्स बाई डी पुटअप करेंगे तो आपके पास लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए वही फॉर्मूला है, अंतर क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमने एक्स यू मैक्स बाय डी किया है। एक्स यू मैक्स बाय डी आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, जैसे कि माइल्ड स्टील के लिए क्या वैल्यू थी, 0.53 थी। तो मैं अगर इस फॉर्मूले में 0.53 रख देती हूँ एक्स यू मैक्स बाय डी की जगह, तो मेरे पास क्या आ जाता है 0.36 एफ सी के 0.53 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53 बी डी स्क्वायर। तो जब आप ये सब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो ये है माइल्ड स्टील के लिए। सिमिलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जब आप सपोज Fe415 के लिए करना है, तो Fe415 के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 0.48 लिखेंगे, यहाँ पर 0.48 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही जब आप 500 के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, 0.46 लिखेंगे। तो इस तरह से कर कर ये एक टेबल बनाई है डिफरेंट ग्रेड्स के लिए और डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए। ये 250 है, ये 415 है और ये 500 है, तो डिफरेंट इनके लिए ये बनाई है। अब मैं देखती हूँ डाउट्स आ रहे हैं कुछ, है ना। Let us see what doubts are there. Let me take up the doubts for some time. Just ये चैट नहीं आ रहा है इसमें, चैट या पता नहीं। मैम समवन हैज टेकन माय नेम एंड स्पीकिंग हियर। अरे भैया व्हाट इज ऑल दिस अस्तित्व की लड़ाई, तुम लोग डाउट पूछ रहे हो या बातें कर रहे हो? मैम कोई डाउट है नहीं मैम इनका, वो कोई मजाक कर रहा है। मैम डाउट वाला क्वेश्चन था मेरा सेकंड। हाँ यस मैम, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने बताया नहीं। वो पूछने ओके 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 ओके, नहीं अभी हमने जो पढ़ा है उसमें डाउट बताइए। ओके ओके अच्छा अच्छा अच्छा, somebody is misbehaving here। भाई ऐसा मत करिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्लास ले रहे हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं सर या मेरे साथ में, तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अगर आपको पसंद नहीं है करना क्लास तो मत करिए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तुम्हारे घर जाकर कोई कंप्यूटर तो चलाता नहीं है, मोबाइल फोन के आप आइए और क्लास करिए। अगर नहीं मन कर रहा तो मत करो, इट्स वेरी सिंपल। ओके सर मेहनत करते हैं, इतना पीपीटी बना रहे हैं, आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, हम भी आराम से बैठ सकते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह। दिस इज रियली वेरी बैड, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो रखो भाई टीचरों के लिए, ये अच्छी बात थोड़ी है। नहीं समझ में आता तो दोबारा पूछ लो, तिबारा पूछ लो, बट प्लीज डोंट डू ऑल दिस। ओके अच्छे स्टूडेंट्स बनिए, हम भी याद रखें कि हाँ ये बैच था बहुत अच्छा था। गंदा नाम कमा के बेटा कुछ नहीं मिलेगा, लीव समथिंग सो दैट वी हैव गुड मेमोरीज ऑफ ऑल ऑफ यू, राइट। हम नहीं सुधरेंगे, ओके मत सुधरो बेटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लाइफ अभी बहुत लंबी है, यू आर गोइंग टू आप जो ये बिहेवियर है इसकी वजह से खुद ही नुकसान में रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या है, नहीं पढ़ाएंगे या थोड़ा बहुत पढ़ा के छोड़ देंगे। ओके तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आप। कोई डाउट है तो बताइए,
बेटा कोई डाउट है तो बताओ, चैट पे लिखो। मेरे का तो कोई डाउट है नहीं मैम, नो मैम। नो मैम, नो मैम, नो। तो आगे चले, या पिछले असाइनमेंट में से डाउट हो वो बताइए। ओके, आई थिंक आगे चलते हैं, है ना? ओके 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 मनप्रीत जी, ओके ओके। हम नहीं सुधरेंगे भाई, ये जो भी हो तुम, आप अपना नाम और रोल नंबर के साथ आया करिए, राइट? वो सुधरना है या नहीं सुधरना वो तो आपकी मर्जी है, बट मैंने पहले भी इंस्ट्रक्शन दी है, एवरीबॉडी हैज टू राइट देयर रोल नंबर एंड नेम। मान लीजिए मैं इसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड रखती हूँ तो क्या लिखूंगी मैं हम नहीं सुधरेंगे के आगे? ओके, तो अपना नाम और रोल नंबर डालो बेटा। तो मैं आपको पहले ले चलती हूँ बेटा IS 456 पे। IS 456 में, क्योंकि ये इतनी लंबी लंबी जो इक्वेशन हैं ये हम याद नहीं करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि अपेंडिक्स जी निकाल लीजिए सब। अपेंडिक्स जी निकालो बेटा, अपेंडिक्स जी कहाँ पर है? पेज नंबर 90, लास्ट में है एकदम। ओके, लास्ट में पहुंच जाओ। ज्यादा नीचे आ गए हम, देखते ये मेरा टच स्क्रीन है ना, बड़ी जल्दी भागता है। सॉरी एनेक्सर जी, सबने निकाल लिया बेटा? चलिए एनेक्सर जी जी देखते हैं क्या कहता है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेक्टेंगुलर एंड टी सेक्शंस। तो अभी टी के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेक्टेंगुलर की बात करेंगे, जो कि अजम्पशंस 38.1 सेक्शन 5 IS कोड से आई है। ठीक है, तो ये क्लॉज 38.1 वही है जो हमने लास्ट पेज खोल रखा था पहले। The moment of resistance of rectangular and T-section based on the assumptions of 38.1 are given in this annexure. तो rectangular sections कर रहे हैं, rectangular sections वो भी singly reinforced. Singly reinforced का मतलब without compression reinforcement. तो अभी compression reinforcement तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, singly reinforced है, तो ये वाला section लगेगा। The moment of resistance of rectangular sections without compression reinforcement should be obtained as follows. कैसे है? A, determine the depth of neutral axis from the following equation. तो depth of neutral axis कैसे निकालेंगे? Excuse me, एक मिनट, हाँ देखना हाँ। Depth of neutral axis from the following section. तो XUYD आपको याद होगा, हमने यही फॉर्मूला निकाला था जो कि कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन से किया था हमने। कैसे किया था? C इज इक्वल टू T किया था ना हमने, तो C इज इक्वल टू T से आपने ये फॉर्मूला निकाला था। मुझे चाबी दे, वहां की होल्डर पे है। C इज इक्वल टू T से ये फॉर्मूला आया था, XUYD इज इक्वल टू 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FG के BT, राइट? ये निकाला, इसके बाद क्या करना है वो ये बता रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ XUYD इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, सी नोट बिलो 38.1। वो याद है ना, अभी छोटा छोटा नोट आपको दिखाया था जिसमें कि XU लिमिटिंग बाय D की वैल्यूज लिखी हुई थी। क्या वैल्यूज थी? 0.53, 0.48, वो वाला। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये वाला XU/D अगर इससे कम है, लिमिटिंग बाय एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी से, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है वो? अब कम कब होता है? जब अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होता है। अंडर रीइंफोर्स का मतलब कि स्टील साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर स्टील साइड से निकलेगा तो क्या होगा? 0.87 FYAST इंटू डी 1 minus AST। ये वाला फॉर्मूला अभी अभी हमने PPT में डिराइव किया है, राइट? सेम फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग। तो आप क्या करेंगे? XU/D निकालेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर वो छोटा आता है तो सीधा ये फॉर्मूला लगा लेंगे। और इस फॉर्मूला में है क्या? 0.87 FY गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन है, डेप्थ गिवन है,
सब कुछ गिवन है, तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए. ठीक है, आगे चलते हैं. इफ द वैल्यू ऑफ एक्स यू बाय डी इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू, इक्वल का मतलब क्या हुआ, कौन सा सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, राइट. तो अगर बैलेंस सेक्शन है तो द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. वो कहता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इससे निकालिए. तो एमयू लिमिटिंग, ये वाला फॉर्मूला भी अभी हमने पीपीटी में देखा था, 0.36 एफ सी के एक्स यू मैक्स बाय डी 1-0.42 एक्स यू मैक्स बाय डी बी डी स्क्वायर, करेक्ट. तो हम इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बैलेंस सेक्शन का. ऐसा नहीं है कि हम इससे नहीं निकाल सकते, हम इससे भी निकाल सकते हैं बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों सेम आएंगे, राइट. मगर इसमें क्या क्या अंतर होगा, यहां पर जो आपने डाला था ना बेटा एक्स यू, वो हमने डाला था, याद है, पुटअप किया था हमने, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू डाली थी. तो इससे भी यही आएगा, बट दिस फॉर्मूला इज इजियर टू अप्लाई, क्योंकि एक्स यू मैक्स बाई डी हम सीधा ही कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर, और ये इसमें हमने सीधा डालना है. तो दिस बिकम्स इजियर, कैलकुलेशन इज लिटल इजियर, दैट्स वाई इट इज रिटन. ऐसा नहीं है कि अगर इससे निकालेंगे तो कोई और आएगा या इससे निकालेंगे तो कोई और आएगा, दोनों से सेम आएगा. बस कंडीशन ये है कि हमें एक्स यू मैक्स इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स इन दिस केस. ओके, आगे देखते हैं क्या लिख रहा है ये. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो आगे है, इफ एक्स यू बाय डी इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि एक्स यू बाय डी ये जो है ये इस लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा है, द सेक्शन शुड बी रीडिजाइन. देखिए सीधी तरह से कहता है कि उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हम उस सेक्शन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम उस सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डिजाइन करना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, मगर मान लो एग्जाम में आपको एक प्रॉब्लम ही दे दिया, क्वेश्चन दे दिया जिसमें कि, एक मिनट, क्वेश्चन दिया है जिसमें एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग आ गया. अब इसने तो कह दिया रीडिजाइन कर दो, तो मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगी. तो आप उसमें वहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, इसका मतलब है कि ये सेक्शन जो है ओवर रीइंफोर्स है, एंड आईएस 456 सेज दैट दिस सेक्शन शुड बी रीडिजाइंड, राइट. सो दिस सेक्शन शुड बी रीडिजाइंड एंड इट्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी टेकन एज लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स यू लिमिटिंग. अगर आपने उसको आंसर भी देना है तो जो आप आंसर देंगे वो एक्स यू इस्तेमाल करके नहीं देंगे, एक्स यू लिमिटिंग इस्तेमाल करके देंगे, यानी कि इस फॉर्मूले से करेंगे. किसी भी केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रीइंफोर्स बीम का लिमिट स्टेट मेथड में इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ओके, तो हम इसको निकाल कर और कह देंगे कि इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना है. वैसे तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, बट अगर मान लीजिए कोई दे देता है चेक करने के लिए तो ऐसे लिखना है उस केस में. ठीक है, तो ये इसमें सिंबल्स का मीनिंग दे रखा है और कुछ नहीं है इसके नीचे. h is depth of neutral axis, d is effective depth, characteristic strength area, mu limiting, और ये आ जाएगा compression reinforcement, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं. तो ये annexure g पेज नंबर 96, इसमें सारी जो इक्वेशंस आज हमने डिराइव की हैं या पीपीटी पर देखी हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं. ओके, तो और सर एक्स यू मैक्स एंड एक्स यू लिमिट एक ही है. हाँ जी, एक ही है. तुषार इज आंसरिंग यस, तुषार सर बता रहे हैं कि वो एक ही है. चलो और देखते हैं पीपीटी में आज और क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा समय है, अगर थोड़ा और कर सकते हैं तो. मैं एक तुमको असाइनमेंट देना चाहती हूँ, क्वेश्चन है असाइनमेंट, बाकी असाइनमेंट सर देंगे. ये जो टेबल है ये आप अपने आप बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स के लिए और डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील और डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट के लिए. M15 मत लिखना, M15 नहीं चाहिए मुझे, 20, 25 और 30 ये अपनी असाइनमेंट कॉपी में बनाएंगे. M20, M25, M30 और तीन ग्रेड्स ले लेंगे हम, Fe 250, Fe 415, Fe 500.
और ये वाली टेबल बनाएंगे MU लिमिटिंग का एक्सप्रेशन। तो आपने कुछ खास नहीं करना है इसमें, इसमें आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें XU max by D की वैल्यू डालिए, राइट। XU max by D corresponding to the grade of steel and concrete given, grade of steel given to you, और साथ में FC की आ जाएगा, M20 है या 25 है या 30 है। तो जब आप ये डालेंगे तो आपके पास ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो ये टेबल सारे बच्चे बनाएंगे असाइनमेंट में। तुषार जब आप असाइनमेंट दो तो एक क्वेश्चन ये जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके अच्छा आगे चलते हैं, ये कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील, इसके बाद बंद कर देंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव एरिया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, देखो बेटा ये टेंसाइल फोर्स है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई विथ एरिया 0.87 FY into AST। ऐसे ही ये कंप्रेसिव फोर्स है जो कि स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर से आया था आपके पास 0.36 FCK B into XU। रीअरेंज करिए, AST upon B, इस B को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, 0.36 FCK XU upon 0.87 FY। D से डिवाइड कर दीजिए, AST upon BD आ जाएगा आपके पास, AST upon BD is equal to 0.36 FCK XU upon 0.87 FY into D, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो AST upon BD is denoted as PT and the formula for it is this, okay? तो आप PT निकाल सकते हैं, किसके लिए हम PT निकालेंगे, हम पीटी निकालेंगे बैलेंस सेक्शन के लिए। तो मैं अगर बैलेंस सेक्शन के लिए निकलवाना चाहूं तुमसे तो तुम क्या करोगे, XU max by D यहां पर डाल देंगे, XU max by D डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डालिए, डिफरेंट ग्रेड्स के लिए पीटी निकालिए। तो देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील, एज द वैल्यू ऑफ XU by D इज लिमिटेड, XU max by D ये रहा, its maximum value will give the maximum or limiting value of percentage of steel. Balance section में जितना steel होता है ये value हमें वो दे देगा, अगर हम XU max by D इसमें डालेंगे। तो हमने XU max by D डाला और उसके साथ ही FC की और FY की different values आप डाल सकते हो। जब आप different values डालोगे तो फिर से आप आपको ये मिल जाता है PT limiting in terms of FC के आपने निकाल सकते हो। तो यही इस्तेमाल करके ये टेबल बनाई हुई है, बाय पुटिंग वेरियस वैल्यूज ऑफ FCK फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट वी गेट लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील एज शोन। ये टेबल भी बना सकते हैं हम, तो आप पीटी भी लिखिए, राइट। और इससे पहले हमने जो लिखा था लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU limiting, एक ही टेबल बना सकते हो, दोनों की एक ही टेबल में बना देना दोनों चीजें, परसेंटेज लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील एंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, बैलेंस अंडर रीइंफोर्स एंड ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। सो लेट अस रिवाइज दिस अगेन, इट्स गोइंग टू फिनिश, कोई बात नहीं खत्म होगा तो। डाउट्स आ रहे हैं क्या या चले? तुषार यस मैम, डाउट तो अभी एक ही डाउट आया था, वो क्लियर हो गया मैम इनका। ओके तो ये मुझे लगता है सिर्फ रिवीजन है आगे। द वैल्यू ऑफ XU by D इज कैलकुलेटेड एज दिस, ओके, लिमिटिंग वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज दिस एंड देन दे आर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग थ्री केसेस में अराइज। तो बैलेंस सेक्शन है पहला, ये आपको मैंने समझाया था कि स्ट्रेन इतना रहेगा, राइट। XU max is equal to XU, P steel is equal, yield strain दोनों का ये है, तो moment of resistance आप किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे concrete side से निकालो चाहे steel side से निकालो, इसको हम कहते हैं balance section। Under reinforced section आ गया, देखिए strain in steel जो होगा वो अपनी yield value पहले पहुंचाएगा, strain in concrete is less than 0.0035,
और स्टील फेल करेगा तो डक्टाइल फेलियर होगा, वार्निंग टाइम मिलेगा आपको. परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन इट्स मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू, सो सेक्शन इज इकोनॉमिकल. ओके, ये अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है. अब क्योंकि स्टील फेल कर रहा है तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील साइड से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, राइट. ये दिस इज जस्ट रिवीजन. ओवर रीइंफोर्स सेक्शन कब होगा? जब न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपका एक्सटू लिमिटिंग से बड़ा होगा, नीचे जाएगा. नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसमें तो स्ट्रेन इतना रहेगा मगर स्टील में कम हो जाएगा. तो स्टील फेल नहीं करेगा, कंक्रीट फेल करेगा. और कंक्रीट बिटर होता है तो सफिशियंट टाइम नहीं होगा और सडन कोलैप्स होगा. सडन कोलैप्स होगा, राइट. अनइकोनॉमिकल सेक्शन होगा क्योंकि स्टील की परसेंटेज आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी, मगर स्टील हम ज्यादा डालते नहीं है तो इसीलिए आईएस कोड कहता है कि नहीं करेंगे. मगर इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहां पर लिमिट कर देंगे हम, एमयू लिमिटिंग पे. यहाँ लिखा है सर ने, इन WSM वी हैड कैलकुलेटेड MOR ऑफ ओवर रीइंफोर्स सेक्शन बाय टेकिंग NC ग्रेटर देन, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा था, ये लेके किया था. बट हियर XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग, यहाँ पर हम XU को XU लिमिटिंग ही मानेंगे चाहे ओवर रीइंफोर्स केस है, ठीक है, एज रिकमेंडेड बाय IS 456. ओके, ये अभी हमने किया है IS 456 के ही पेज का वो है कि पहले आप XU निकालिए, XU मैक्स से कंपेयर कीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कौन सा सेक्शन है और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालेंगे. इसके बाद सीधा एग्जांपल आता है, एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है. तो डाउट देख लेते हैं, किसको डाउट हो रहा है, इसमें छोटा होता है बेटा, लिमिट स्टेट में छोटा होता है साइज. लिमिट स्टेट में इसलिए छोटा होता है कि एक तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कम है. अगर तुम्हें ध्यान हो WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कितना होता है, 1.78, यहाँ पर आप 1.15 लेते हो. कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां होता है 3, और लिमिट स्टेट में हम अगर ओवरऑल पार्शियल फैक्टर सेफ्टी तो 1.5 है, अगर ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लें तो वो होता है 1.5 × 1.5, दैट मीन्स 0.25. तो क्योंकि स्ट्रेसेस आप ज्यादा रेंज ले रहे हैं तो सेक्शन थिनर आती है, ठीक है. ये कौन है, ये नवीन भाई, ऐसा मत करो, दूसरे के नाम से मत करिए आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं ये गलत बात है. अगर कोई डाउट है तो पूछिए. नहीं, चैट पे कर रहे हैं बेटा ये. यस मैम, वो एक ऑप्शन होता है कि इनको रीनेमिंग से पार कर देना, कि रीनेम नहीं कर सकते अपने नाम को. अगली बार से सेशन में मैम वो लगा दूंगा, रीनेम नहीं कर पाएंगे. आई कैन रिमूव देम, यू आर राइट. यस मैम, डू यू वांट मी टू रिमूव यू? आप ऐसा चाहते हैं कि आपको बाहर निकालें हम? शरारत मत करो बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए, ये मीटिंग भी खत्म होने वाला है, 5 मिनट्स आर लेफ्ट, 5 मिनट रहते हैं. अगर किसी ने डाउट पूछना है तो पूछिए, नाउ ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट राहुल, सो वी आर गोइंग टू फिनिश, राइट. इफ एनीबॉडी हैज सम डाउट प्लीज आंसर, सॉरी प्लीज आस्क मी. अगर 0.45 FC/1.5 करेंगे तो हमारा एक्चुअल स्ट्रेस आएगा. बेटे ये जो मेथड है इसमें हम एक्चुअल स्ट्रेस नहीं निकालते हैं, हम स्ट्रेन को. यहाँ पर आपने देखा होगा WSM में और LSM में ये अंतर है कि वहां पर जो बैलेंस सेक्शन अंडर रीइंफोर्स और ओवर रीइंफोर्स तुमने डिफाइन किए थे वो हमने स्ट्रेस डायग्राम के बेस पे किए थे. हम ये कहते थे कि परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीचेज इट्स वैल्यू साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे स्ट्रेस रीच करेगी परमिसेबल. मगर लिमिट स्टेट मेथड में हम स्ट्रेन डायग्राम से गवर्न करते हैं सब कुछ. यहाँ पर हम कहते हैं कि आपके सेक्शन में, बैलेंस सेक्शन में अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड स्टील रीचेस देयर यील्ड वैल्यू एट द सेम टाइम. तो दोनों में अंतर है, राइट.
यहाँ पर स्ट्रेन के डायग्राम से हम डिफाइन करते हैं और वहां पर स्ट्रेस डायग्राम से डिफाइन करते हैं, मगर हम यहाँ पर हमें स्ट्रेस निकालने को कोई नहीं कह रहा, बट अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई और कुछ पूछे बेटा? मीन डिजाइन स्ट्रेस अपॉन लोड FOS। राजीव समझ में नहीं आया मुझे, क्या पूछना चाहते हो आप, दोबारा फिर से लिखिए। एनीबॉडी अदर, और किसी को आज के उसमें डाउट हो कैसे निकालना है? सबको समझ आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कैन यू ऑल हियर मी? यस मैम, वॉइस इज क्लियर मैम। या या, सो अब देखिए, अब आप अपना IS 456 और बुक लेकर बैठिए एंड ट्राई टू डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओनली। ओके, तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स, अच्छा आपकी क्लास है, आई एम सॉरी, अभी क्लास है तुम लोगों की? अच्छा, समबडी इज मैसेजिंग मी, ओके ओके, लेट मी चेक, व्हाट्सएप कर रहा है कोई? तो मैम इससे तो टोटल 0.3.33 आएगा। कैसे 3.33 आएगा बेटा? राजीव यादव, राजीव मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाहते हो, पूछो राजीव। हेलो, हाँ बोलो मैम। ये कह रहा था जैसे जो हमारा डिजाइन स्ट्रेस है ना, हाँ, तो वो तो 0.45 FC के होता है, ठीक है, बट वो हम अगर एक्चुअल स्ट्रेस निकाल लेंगे तो डिजाइन स्ट्रेस को लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं, एक्चुअल स्ट्रेस क्या मतलब, एक्चुअल स्ट्रेस क्यों निकालेंगे आप? तो स्ट्रक्चर पे तो हमारा एक्चुअल स्ट्रेस आएगा ना, डिजाइन स्ट्रेस करेंगे तो लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या यूज होता है? तो हमारा लोड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग है, स्ट्रेस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग, हाँ ठीक है। जो डिजाइन स्ट्रेस है वो आप 0.67 FCK पे आपने 1.5 लगाया तो आपको 0.45 या 0.446 FCK लगा, जिसको हम डिजाइन स्ट्रेस बोलते हैं। डिजाइन स्ट्रेस का मतलब है कि इसी स्ट्रेस के लिए स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करेंगे, राइट right? मगर ऐसा नहीं है कि अगर आप लोड को 1.5 से डिवाइड करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालोगे तो वो 0.45 FCK आएगी, ऐसा नहीं है, दोनों अलग चीज हैं। यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकाल रहे हो तुम, अभी तक मैंने कहीं पर भी ये चीज इस्तेमाल नहीं की, हमने स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की बात की है बेटा, लोड की तो अभी कहीं भी नहीं की बात, नहीं की ना हमने। क्वेश्चन में देखा था वो, हम एज्यूम करते हैं क्वेश्चन में साइड में लिखा था लोड फैक्टर सेफ्टी 1.5 एज्यूम फॉर डेड लोड लेवल, तो इसलिए मैंने पूछा। जब डिजाइन करेंगे ना तब बात करेंगे इसकी, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, दोनों अलग हैं, हम स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं, राइट, अभी लोड्स की कोई बात नहीं।